बाद कलाकारों ने गृह मंत्री से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे, जहां पर कलाकारों को आश्वासन दिया गया है कि वहीं बताया गया कि 6 जून को मीटिंग रखी गई है। इसमें सभी प्रकार के छत्तीसगढ़ी कलाकार, फिल्मकार, निर्देशक, निर्माता सभी से 1 घंटा चर्चा कर इसके बीच का उपाय निकाला जाएगा। इसके बाद आगे क्या करना है चर्चा की जाएगी। कलाकार इन दिनों धरना पर हैं, उनके अस्तित्व की मांग है। कुछ चाहते हैं कि जो उनकी मूवी है मल्टीप्लेक्स में लगे। इस वक्त हमारे साथ मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि धरना प्रदर्शन लेकर इनकी क्या राय है। सर, जो लोक कलाकार हैं धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग है कि वो मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी मूवी रिलीज की जाए, जबकि आपने पहले से पहल की है। हम लोग तो पहल कर रहे हैं उनकी समस्या क्या है जानने के लिए, जानने के बाद उसका निराकरण करेंगे, हल करेंगे। जी तो सर, क्या उनका धरना करना, आपकी पहल करने के बाद दो धरना प्रदर्शन करना क्या उचित है, इसमें क्या करना है? मैं पहले ही बताया, चर्चा कर लें उसके बाद जो निर्णय होता करते। जी, उनकी मांग है सर कि जो मूवी है छत्तीसगढ़ी मूवी, वो मल्टीप्लेक्स में नहीं लगाए जा रहे हैं, तो वो ये मांग कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसीलिए तो मीटिंग बुलाए हैं, चर्चा में सब सामने आ जाएगा जो होना है, फिर चर्चा के बाद करते जो होना है। सर, अभी फिलहाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। तो पुलिस अपना काम करती है, वो कर रही होगी, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, सामान्य प्रक्रिया है वो जी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं रहती। तो अभी आपने सुना है मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को, जिनका साफ कहना है कि मैंने पहले पहल किया है और विभाग के माध्यम से उनको बुलाया गया है, लेकिन पहले से धरना प्रदर्शन करना और धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मनवाना, तो अगर ये इसी राह पर चलना चाहते हैं तो इसी राह पर चलें, आगे जो भी तय होगा मीटिंग के बाद ही होगा। कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। इसी बीच एक बड़ी खबर